डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन प्रेपोजिशन। वी विल नो अबाउट द प्रेपोजिशन, व्हाट द प्रेपोजिशन इज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस आर देयर, एंड विच प्रेपोजिशन इज यूज फॉर विच पर्पज, वी विल नो इन दिस वीडियो। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई मीट राम एट 8 o'clock। एट इज हेयर द प्रेपोजिशन। शी डाइड इन 1999। In is here preposition. There is a book on the table. There is a book on the table. On is the preposition here. All these words are called preposition. So what the preposition is? A preposition thus can be defined as, can be said as a group of words or a word also that is used before a noun. जो कि नाउन से पहले या प्रनाउन से पहले या जेरेंट से पहले आता है, टू शो इट्स रिलेशन टू अनदर वर्ड इन ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में किसी भी दूसरे वर्ड से रिलेशन शो करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं, दैट आर कॉल्ड प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन वर्ड इज मेड बाय द टू वर्ड्स प्री एंड पोजिशन। इन द शॉर्ट फॉर्म इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोजिशन ऑफ एनी थिंग और एनी नाउन और प्रनाउन वेयर इट इज। It can be the very short definition also. Preposition are those words which tells us the position of anything and or noun or pronoun or gerund in a given sentence. That is also called the preposition. So preposition can be defined as a word or group of words which is used before. Always it is used before a noun, pronoun or gerund. जिससे पहले ये आ रहे होंगे उसके बारे में, उसकी पोजीशन ये बताएंगे, उससे रिलेशन शो करते हैं। नाउ वी कम टू द प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन वी विल नो नाउ। इन, ऑन, आउट, ऑफ, फ्रॉम, अबव, बिलो, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रेपोजिशंस। वी विल नो मोर अबाउट दिस। बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन, सम प्रेपोजिशंस आर कॉल्ड द प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, सम प्रेपोजिशंस आर कॉल्ड द prepositions of place, some prepositions are called distance. So based on this we will know about the preposition of time. Times se related jo preposition hai wo kon kon si hai? At, on and in. These prepositions are used to show the time because they are related to the time and date of events. Kya date hai kisi event ki ya activities ki and situation also. So these are called the preposition of time. At, where we will use the at preposition in a given sentence. At is used for a point of time. जब आपको किसी भी sentence के अंदर time दिया गया होगा, fixed time दिया गया होगा, उसके लिए आप हमेशा at use करेंगे. At a particular time, जो time दिया हुआ 5 o'clock, 6 o'clock, 8 o'clock, when the it is has been given in the form of numeric. Beside it, it is also used. जब डे के पार्ट्स होते हैं, डे के पार्ट्स होते हैं, डॉन होता है सुबह मॉर्निंग के लिए, सुबह जब मॉर्निंग में जब दिन निकलता है उससे पहले का जो टाइम होता है वो डॉन कहलाता है, और उससे इवनिंग का ही ऐसे टाइम है जो सूर्य अस्त होने के बाद का जो टाइम होता है वो डस्क कहलाता है। डस्क, DUSK, डस्क। डॉन के साथ में आपका एट लगेगा अगर किसी सेंटेंस में दिया हुआ है, मिड डे के साथ में आपका लगेगा एट, नून, नाइट, मिड नाइट, इन सब के साथ में एट लगेगा, और अगर कोई आपको फिक्स टाइमिंग दिया हुआ तो उसके साथ में भी आपका एट लगेगा। सी द फर्स्ट सेंटेंस हियर, आई मेट हिम एट 11:40 o'clock। तो फिक्स टाइम है, दैट्स व्हाई एट प्रपोजिशन हैज कम। शी रिटर्न्ड एट नून, नून एंड डॉन के साथ में हमेशा एट लगेगा। नाउ कम टू, वी कम टू द अनदर रूल ऑफ एट। जब आपका एट का कहां पर यूज होगा, एट प्लस द पर्टिकुलर टाइम इन ए वीक, वीक के अंदर किसी डे की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, या मंथ के अंदर किसी टाइम की बात हो रही है, या ईयर के अंदर बात हो रही है, तब भी आपका एट लगेगा। एट द स्टार्ट और एंड ऑफ द वीक, जब चाहे वीक का स्टार्ट हो रहा हो या एंड हो रहा हो, या मंथ का ऐसे स्टार्टिंग एंड एंडिंग हो, ईयर की हो, वीकेंड की हो, तब भी आपका उसके साथ में एट लगेगा। से दिस, वी आर गोइंग देयर एट एंड ऑफ द वीक, वीक का एंड है, देन स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों के लिए एट प्रपोजिशन हैज बीन यूज, यहां पर एट यूज किया है बिकॉज इट इज गोइंग टू एंड ऑफ द वीक।
शी लेफ्ट अ स्कूल एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ। जब आपका स्टार्ट और एंड होगा किसी भी टाइमिंग में आपका वीक मंथ और ईयर में, तब आपको एट प्रपोजिशन यूज करनी है। नाउ वी कम अनदर रूल एट फेस्टिवल। व्हेन वी आर सेइंग इन एनी फेस्टिवल इन अ सेंटेंस मेंशनिंग ऑफ फेस्टिवल, देन वी विल यूज द एट प्रपोजिशन विद देम। दे हैड ए हॉलीडे एट दिवाली। ही विजिटेड हिज फ्रेंड एट क्रिसमस। यानी कि आप फेस्टिवल्स के साथ में एट यूज करेंगे। एट ए मील, जब मील खाने की बात हो रही है जिसमें, उसमें चाहे आपका ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, टी टाइम हो या डिनर टाइम हो, तो उसके साथ में हमेशा आप एट यूज करेंगे। दे मेट ईच अदर एट डिनर। दे मेट ईच अदर एट लंच। ऑल द फ्रेंड्स वर प्रेजेंट एट लंच, एट डिनर, एट टी टाइम, एट ब्रेकफास्ट। There you have to use the at preposition only. Now, we come to the on preposition. Now, on preposition के regarding अब हम करेंगे जानेंगे। Where on will be used? On is used for day or date. जहां पर day दिया गया हो, Monday, Tuesday, Wednesday, वहां उसके साथ में आपका हमेशा ऑन लगेगा। ऐसे ही डेट अगर दी गई है आपको, डेट के साथ में आपका ऑन प्रेपोजिशन आएगी। ये आपको रूल भी दिया गया, ऑन प्लस डे ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे एक्सेट्रा। द पार्टी स्टार्टेड ऑन मंडे, द मीटिंग टुक प्लेस ऑन थर्सडे। तो थर्सडे के साथ में, मंडे के साथ में वी हैव यूज्ड ऑन प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन हमेशा उस वर्ड से पहले आती है तो जिससे वो रिलेशन शो करती है, इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। हमेशा किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन उस वर्ड के पहले आएगी। ऑन कहां पर यूज होता है? नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डे। डे के अगर किसी खास पार्ट की बात करते हैं, जैसे आप करते हैं फ्राइडे, किसी फ्राइडे मॉर्निंग, थर्सडे इवनिंग, मंडे आफ्टरनून, इस तरीके से डे के पार्ट्स होते हैं। तीन पार्ट्स होते हैं, मॉर्निंग होती है, आफ्टरनून होता है और इवनिंग होती है। तो ऑन हमेशा उनके साथ में यूज होगा जब डे ऑफ द पार्ट मेंशन किए गए होंगे। दे रीच शिलोंग ऑन संडे आफ्टरनून। इसमें देखिए डे आफ्टरनून है, दोपहर का समय है, और संडे भी इसमें मेंशन है, डे भी मेंशन है। तो डे के हिसाब से, संडे के हिसाब से भी आपका ऑन आ सकता है, और आफ्टरनून क्योंकि दिया हुआ पार्ट ऑफ द डे है, देन यू विल ऑल्सो यूज द ऑन। माई फ्रेंड केम टू मीट मी ऑन मंडे इवनिंग। तो इन दिस केस ऑल्सो on will be used. Now we talk about the on with the particular date. When the date has been given in a sentence, you have to blindly write down on preposition in that fill-up. She was born on 10th December 2001. On preposition we have used here. He returned from Ludhiana on 8th June. On preposition has been here used. Now, with the festival, when we will use the, at the four, all the festivals we were using the at preposition there. But in special cases, when the festival plus day word has been given, then you have to fill the on preposition in the sentence. Jab aapko fill-up mein di gayi hogi, tab aapko on preposition, when the day has been write down. See, she was here on Diwali day. Day word has been used with the festival. दिवाली के साथ में डे यूज हुआ है, इसलिए ऑन आया। अदरवाइज फेस्टिवल के साथ में हम क्या यूज करते हैं? एच यूज करते हैं। नाउ वी कम एट द यूज ऑफ इन प्रेपोजिशन। वे वी विल यूज इन। इन इज जनरली यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टू शो टाइम फ्रेम और पीरियड ऑफ टाइम दैट इज। यानी कि दो टाइमिंग दी गई है, स्टार्टिंग एंड लास्ट का टाइमिंग दिया, उसके बीच का जो टाइम होता है ड्यूरेशन, दैट इज कॉल्ड इन। Now, in the part of a day, in लगा वहां भी यूज होगा जहां पर दा दिया हुआ है और पार्ट ऑफ द डे है। पार्ट ऑफ द डे हमारे क्या होते हैं? मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून होते हैं, और उनके साथ में दा लगा हुआ है, तो इन प्रपोजिशन वी विल यूज इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून एक्सेट्रा। सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। देखिए इन लगा है, द मॉर्निंग है, मॉर्निंग आपका डे का पार्ट है, उसके साथ में द लगा हुआ है, तो इन प्रेपोजिशन विल बी यूज्ड। शी वेंट टू द मार्केट इन द इवनिंग। नाउ वी कम टू द अनदर टाइप ऑफ यूज ऑफ इन।
where it will be used. It will be used in the month and year. When we are mentioning the month name or year, then we will use the in preposition there. His father died in January. My father was born in 1988. Say this. इनके अंदर आपका जो आपका मंथ के साथ में आपका जो है जनवरी फरवरी मार्च है इनके साथ में आप ऑलवेज इन यूज करेंगे. ऐसे ईयर अगर आपको मेंशन किया गया है तो उसके साथ में भी आप इन यूज करेंगे. नाउ वेयर वी विल यूज द नेक्स्ट रूल ऑफ द इन. इन इज ऑलवेज यूज विद द सीजन. इन ये रूल दिया गया है आपका इन प्लस सीजन ऑफ द ईयर और स्पेसिफिक सेंचुरी भी हो सकती है. सेंचुरी आपकी 100 ईयर्स की होती है तो उसके मेंशन के लिए भी आप इन यूज करेंगे. जैसे देखिए इन समर इन विंटर इन रेनी सीजन तो इन विल बी यूज्ड इन द 20th सेंचुरी इन द 21st सेंचुरी लाइक दिस. सी द वन एग्जांपल ही गोज टू शिमला इन समर. समर इज द सीजन. दैट्स व्हाई इन हैज बीन यूज्ड एज ए प्रपोजिशन हियर. And with the century, India got freedom in the 20th century. So, in preposition has been used here. Now, another use of in, where it will be used. In plus historical period of time, जो आपकी history की book है, उसके अंदर आपके different different times को changes किया गया, उसके base पर वो बने हैं periodic time पर. तो historical period of time में, जैसे कि आपका in the middle ages, in the dark ages, in the prehistoric times, उसके लिए भी आपका इन प्रपोजिशन विल बी यूज. रिलीजन वॉज ए ग्रेट फोर्स इन इंग्लैंड इन द मिडल एजेस. सिमिलरली मुस्लिम रिलीजन वॉज अ ग्रेट फोर्स इन इंडिया इन मुगल एम्परर के टाइम में इंडिया के अंदर मुस्लिम बनाया जाता था लोगों को. तो मुस्लिम रिलीजन वॉज अ ग्रेट फोर्स इन इंडिया इन मुगल एम्पायर. We can write down this sentence also. Men lived in jungles in prehistoric times. Prehistoric history से पहले के time में men जंगलों में रहता था इंसान. तो ये history से related time है. That's why we are using in preposition here. In plus length of time. जब आपको length of time का मतलब है 10 minutes. जब आपको counting में time दिया गया है whether it is minutes or months or years. Then you will use in. The bus will take you to Ambala in 3 hours. I covered the distance in 20 minutes. Time has been given in the numeric form. Then in will be used. When it shows some future time reference, time starting from now. I will be back in 2 hours. जब आपके साथ में timing भी दिया गया हो, future के time के बारे में show किया गया हो, I will be back in 2 hours. तब भी आपको in preposition use करनी है. You will be get your food in 15 minutes. टाइम दिया हुआ है आपको, उसके लिए टाइम ड्यूरेशन दी हुई है 15 मिनट्स की, उसमें आप इन यूज करेंगे प्रेपोजिशन. नाउ वी कम टू द वेयर वी हैव टू यूज द फोर एंड सिंस प्रेपोजिशन. दीज आर आल्सो द प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. फोर इज यूज फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम मीन्स ड्यूरेशन. ड्यूरेशन मीन्स स्टार्टिंग बिट द टाइम बिटवीन द स्टार्टिंग टाइम एंड द एंडिंग टाइम इज कॉल्ड द ड्यूरेशन और पीरियड. जिसे कि आप न्यूमेरिक फॉर्म में आपको जो टाइम मिलेगा, जैसे 3 ईयर्स मिला, 4 ईयर्स, 4 डेज, तब आपका काउंटिंग वाला टाइम होगा, उसके लिए आपका फोर यूज होगा. ईयर्स होंगे या डेज होंगे, उसके लिए आप फोर प्रेपोजिशन यूज करेंगे. एंड सिंस फॉर ए टाइम, अगर कोई फिक्स टाइम है उसके लिए सिंस यूज करेंगे, या फिर स्टार्टिंग ऑफ द वर्क है, कोई भी वर्क जो स्टार्ट हुआ है उसके स्टार्टिंग टाइम के लिए सिंस यूज होता है. फोर एंड सिंस इंडिकेट हाउ लॉन्ग एन इवेंट एन एक्टिविटी और सिचुएशन हैज कंटिन्यू. फोर और सिंस हमेशा किसी भी इवेंट या एक्टिविटी के, कोई भी सिचुएशन कितने टाइम तक कंटिन्यू रही है, इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देते हैं. जैसे सी दिस एग्जाम्पल. ही हैज लिव्ड हेयर फॉर 2 ईयर्स. काउंटिंग में टाइम इट इज शोइंग अस 2 ईयर्स. तो आप ब्लाइंडली यू कैन यूज द प्रेपोजिशन फॉर देयर. फोर प्रेपोजिशन आप यूज कर सकते हैं इसमें. द वर्क हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 3 डेज. 3 है काउंटिंग वाला टाइम है, फॉर दैट यू कैन यूज फोर प्रेपोजिशन. आई हैव नॉट मेट हिम
सिंस मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग जब से शुरू हुई है, जब ऐसे स्टार्टिंग वर्क हो, जब मॉर्निंग का पार्ट है, मॉर्निंग है आपका, इवनिंग है या लास्ट है, तो वहां पर आप सिंस प्रपोजिशन यूज करेंगे, फॉर यूज नहीं करेंगे, जब आपका कहीं भी काम का स्टार्टिंग का टाइम दिया गया है कि मैं सुबह से उससे नहीं मिला हूँ। ही हैज नॉट कम हेयर सिंस 1980, 1980 से वो यहाँ नहीं आया है। तो सिंस ईयर के साथ में मेंशन होगा, लेकिन उसके बाद आया ही नहीं है, तो ऐसे स्टार्टिंग तो हो गई है, एंडिंग नहीं हुई है, तो उसके लिए आपका सिंस यूज होगा। शी हैज बीन इल सिंस यस्टरडे इवनिंग, शी हैज बीन इल, वो बीमार है जब से कल की इवनिंग से ही वो बीमार है, यानी वो जो काम हुआ है, बीमार होने का काम हुआ है यस्टरडे इवनिंग से हुआ है, तब से वो कंटिन्यूसली बीमार है। Now we will know more about preposition during. During is used to express an idea that occurs throughout the whole specified period. अगर during का मतलब देखें कि इसका मतलब होता है दौरान, उस time के दौरान, ये भी आपका duration में ही आता है। During the war, during the 18th century, यानी कि कोई भी जो काम हो रहा है उस समय के अंदर जो काम हो रहा है उसकी बात होती है। During the last week, मतलब उस पूरे week के दौरान क्या हुआ, या उस पूरी 18th सेंचुरी में क्या हुआ, या ड्यूरिंग द वार, जब वो पूरा वार कंटिन्यू चलता रहा और एंड भी हो गया, तो उस टाइम के बीच के टाइम के लिए ड्यूरिंग यूज होता है। शी रिसीव्ड मैनी मैसेजेस ड्यूरिंग द लास्ट वीक, पिछले लास्ट वीक में उसे बहुत सारे मैसेजेस मिले, मतलब पूरे वीक की रिपोर्ट होती है उसमें, अगर वीक की बात हो रही है या वार की बात हो रही है, उसके बीच में। देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग वार, वार के टाइम में, यानी युद्ध के दौरान बहुत सारी शॉर्टेज थी खाने की। द थेफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द नाइट, वो जो चोरी थी रात के दौरान, रात के समय में हुई। ड्यूरिंग का इस तरीके से प्रपोजिशन यूज होता है। नाउ वी कम बाय बाय। बाय यूज्ड टू इंडिकेट द लेटेस्ट टाइम बाय विच समथिंग वाज और टू बी डन, कोई काम करना था, होना था उसके लिए कि इतने टाइम तक हो जाएगा। इट इज प्रोवाइडिंग अस द लिमिट। आल्सो डिनोट्स नियरनेस ऑफ टाइम, कि भाई ये टाइम हो जाएगा तब तक, इतने टाइम के होने तक। यू मस्ट रिटर्न बाय 8 PM, तुम्हें 8 बजे तक रिटर्न हो जाना है, घर आ जाना है। ही शुड फिनिश दिस लेसन बाय ट्यूजडे, ट्यूजडे तक ये आपका लेसन खत्म हो जाना चाहिए। एक तरीके से ये एक लिमिटाइज कर रहे हैं, जहां पर लिमिटाइज करने के लिए यूज होता है। लिमिट का मतलब लिमिट, इस टाइम लिमिट तक ये टास्क हो जाना चाहिए, तो वहां ऐसे सेंटेंसेस में आप बाय प्रपोजिशन यूज करेंगे। आई प्रेफर टू ट्रेवल बाय डे, डे में ही मैं ट्रेवलिंग करना पसंद करता हूँ। कम हेयर बाय नून, नून तक आप आ जाना दोपहर तक, तो इन सच केसेस विल यूज द बाय प्रपोजिशन। नाउ वी कम एट द बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर मीन आपको मालूम ही है कि बिफोर मीन होता है पहले, एंड आफ्टर मीन होता है बाद में। बिफोर इज यूज्ड फॉर समथिंग टू बी डन बिफोर ए स्पेसिफाइड टाइम, कोई भी एक स्पेसिफाइड टाइम दिया हुआ, फिक्स टाइम दिया हुआ, उससे पहले कोई एक्शन होना है तो उसके लिए आपका बिफोर यूज होता है। एंड आफ्टर सजेस्ट दैट समथिंग विल बी डन आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम, किसी खास टाइम के बाद में जो टास्क होता है उसके लिए आफ्टर यूज होता है। सी दिस सेंटेंस, यू मस्ट रीच स्कूल बिफोर 8 AM, आपको 8 AM से पहले स्कूल पहुंच जाना चाहिए। यू कैनॉट एंटर द क्लास आफ्टर 8 AM, आप 8 AM के बाद में क्लास में एंटर नहीं कर सकते बिकॉज यू आर लेट। तो आफ्टर में, बाद में, और बिफोर, जैसे आपके मैथमेटिकल टर्म में यूज होता है, जस्ट लाइक दैट। टिल एंड अनटिल, टिल दिस प्रपोजिशन डिस्क्राइब्स ए टाइम लिमिट फॉर कमेंसमेंट और कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी, किसी भी टास्क के या किसी भी एक्शन के कंप्लीट होने का, और स्टार्टिंग और कमेंसमेंट भी होता है, स्टार्टिंग और कंप्लीट होने के एक्टिविटी के बारे में ये टाइम लिमिट बताते हैं। यू शुड वेट टिल और अनटिल फ्राइडे। अनटिल आपका होता है बेटा नेगेटिव फॉर्म में, नेगेटिव मीनिंग लिए वो होता है, और टिल, टिल का बताओ जब तक। यू शुड वेट टिल फ्राइडे, आपको फ्राइडे तक वेट करना चाहिए। अनटिल आपका नेगेटिव, यू शुड वेट अनटिल फ्राइडे, जब तक। अनटिल का मतलब है जब तक नहीं, जब तक फ्राइडे नहीं हो जाता तो आपको वेट करना होगा। यू शुड वेट अनटिल फ्राइडे, जब तक फ्राइडे नहीं हो जाता तब तक आपको वेट करना है। और यू शुड वेट टिल फ्राइडे, फ्राइडे तक आपको वेट करना है। तो अनटिल आपका नेगेटिव फॉर्म में होता है, टिल का नेगेटिव है, और टिल आपका, टिल का मतलब है जब तक, और अनटिल का मतलब जब तक नहीं।
The streets are crowded from morning till night. Till night, यानी कि night तक सारी जो streets होती हैं बहुत ही crowded होती हैं. He lived in Germany till और until 1984. वो जर्मनी में तब तक रहा. Until यूज करते हैं तो जब तक कि 1984 ईयर नहीं आ गया तब तक वो जर्मनी में रहा. Till mean तब तक. तो till and until का यूज हमने जाना है. Now we come at the preposition of place. प्लेस में जगह से रिलेटेड जो प्रेपोजिशन है वो कौन कौन सी है आपकी. वी विल नो अबाउट दैट. एट, ऑन और इन. ये प्रेपोजिशन आपके टाइम के साथ में भी आई थी. ये आपकी प्लेस में भी यूज होती हैं. दीज प्रेपोजिशन एज प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस विच शो द पोजिशन ऑफ पीपल प्लेस एंड थिंग. ये पोजिशन बताते हैं लोगों की, जगह की और थिंग्स की. एट इंडिकेट्स ए पॉइंट. एट पॉइंट को इंडिकेट करता है, यानी कि जैसे हमने एट फिक्स्ड टाइमिंग के लिए किया था टाइम से रिलेटेड, ऐसे ही एट यहां पर भी किसी जगह के लिए पॉइंट करता है. ऑन ए लाइन और सरफेस. ऑन हमेशा किसी लाइन या सरफेस की बात करता है, जमीन से रिलेटेड बात करता है. एंड इन इंडिकेट्स द एरिया और वॉल्यूम. इन जो है इन प्रपोजिशन आपकी यूज करती है कि जो एरिया है जितना एरिया उसने कवर किया उसके बेस पर ये इन प्रपोजिशन यूज होती है आपकी. Now let's have the example and let's see the more details of this at proposition. At plus the plus place. अब अगर आप इसे use करते हैं at तब use होता है. अगर कोई place है उसके साथ में the लगा हुआ है तो आप उसके just before में at proposition use करेंगे. At the cinema, at the theater, at the school, at school. छोटी जगहों के लिए एक बात और है. छोटी जगहों के लिए हम at यूज करते हैं जब तक कि कोई बड़ा प्लेस नहीं होता. बड़े प्लेस के लिए हम इन यूज करते हैं. छोटे प्लेसेस के लिए हम at यूज करते हैं. at the crossroads, roads. इसके अलावा हापुड़ जैसे सिटी है, छोटी सिटी है तो उसके लिए आप at यूज करेंगे. आप कहेंगे आई लिव एट हापुड़. I was at school. I stood at the crossroads. तो at आपका छोटे places के लिए आपका use होता है. बड़े places के लिए या country के लिए या बड़ी cities के लिए आपका in use होगा at का. और देखते हैं at plus specific place. अब खास places के लिए at the grand hotel. किसी hotel के बारे में जब आप mention कर रहे हैं तभी आप at use करेंगे. at Dumdum airport, at New Delhi, railway station. तो इन सारी चीजों के लिए एट बस स्टेशन यू कैन ऑल्सो यूज. तो आप उसके साथ में एट यूज करेंगे. अगर कोई आपको एड्रेस दिया गया है एट प्लस स्पेसिफिक एड्रेस दिया हुआ है एट 9 मॉडल टाउन, एट 10 डाउनिंग स्ट्रीट, किसी स्ट्रीट का नेम दिया हो तो उसके साथ में भी एड्रेस में आप एट यूज करेंगे. ही लिव्स एट 7 मॉडल टाउन या प्राइम मिनिस्टर लिव्स एट रेस कोर्स 7 रेस कोर्स लाइक दिस. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड लिव्स एट 10 डाउनिंग स्ट्रीट. इस टाइप से आपका जो आपका स्ट्रीट नेम है या हाउस नेम है इनके साथ में हमेशा एट यूज होगा या छोटे शहरों के लिए भी एट यूज होगा. नाउ वी कम एट द ऑन प्रेपोजिशन. ऑन प्रेपोजिशन इज ऑन इंडिकेट्स ए लाइन और सरफेस इन स्पेयर. अगर आप देखें तो जहां भी ऑन होगा ऑन प्रेपोजिशन वहां पर यूज होंगे. लाइनिंग बन रही हो जहां पर या सरफेस इन स्पेयर. सरफेस का मतलब होता है एरिया. द प्लेस इज थॉट ऑफ इन टर्म्स ऑफ लेंथ. लेंथ के मामले में ये जगह सोची जाती है बट नॉट ब्रेथ और डेप्थ. गहराई और चौड़ाई के लिए नहीं होता जब आप ऑन की प्रपोजिशन यूज करते हैं. तो इसमें सरफेस देखा जाता है. द बुक इज ऑन द टेबल. अब बुक कहाँ पर है? टेबल पर है. तो सरफेस देखा जाए टेबल के सरफेस के ऊपर है. जब सरफेस की बात हो रही है तो हम ऑन प्रपोजिशन यूज करेंगे. ऐसे ही देयर इज ए पिक्चर ऑन द वॉल. वॉल के ऊपर भी एक एरिया है आपका उसके ऊपर. तो जब स्पेयर या किसी लाइन या सरफेस की बात हो रही होगी तब आपका ऑन प्रेपोजिशन यूज होगा. देयर इज ए पिक्चर ऑन द वॉल. दीवार के ऊपर पिक्चर है. अगर आप ऑन का मतलब हिंदी मीनिंग जाने तो इसका मतलब होता है पर. नाउ ऑन प्लस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अगर आपकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी है उसके साथ में भी और दा लगा हुआ है तो आपका यूज होगा. पार्ट्स ऑफ द बॉडी के साथ में भी आपका ऑन यूज होगा. ऑन द फुट, ऑन आर हेड्स, ऑन हर लेफ्ट आर्म एसेट्रा. सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. शी हैज बीन ऑन हर फुट ऑल डे. हर फुट का मतलब होता है यहाँ पर वो अपने ही पैरों पर, यानी पैदल चलने के लिए यूज होता है. शी हैज बीन ऑन हर फुट ऑल डे. सारे दिन वो अपने
पैरों पर चली, यानी कि पैरों से चली। ही पुट द बंडल ऑन हिज हेड, उसने बंडल अपना कहाँ रखा, अपने सिर के ऊपर। सरफेस के लिए यूज हुआ है यहाँ पे, सरफेस सिर के ऊपर जो स्पेस होता है उसके लिए। ऐसे ही ऑन, ऑन प्लस टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जब ट्रांसपोर्ट भी हो, उसका मेंशन हो, तब उसके साथ में आपका ऑन प्रेपोजिशन आएगा। ऑन हॉर्स, ऑन बाइसिकल, ऑन ट्रेन। ही रोड ऑन हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े के ऊपर उसने सवारी की। शी वॉज ऑन द ट्रेन टू दिल्ली, वो दिल्ली की लिए ट्रेन से गया, यानी कि शी वॉज ऑन द ट्रेन। यानी कहीं भी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आएंगे आपके, तो आपको ऑन प्रेपोजिशन यूज करनी है। ऐसे ही वी आल्सो यूज ऑन व्हेन वी टॉक अबाउट ए प्लेस एज ए लाइन, जब किसी प्लेस के बारे में बात करें और बिल्कुल एज ए लाइन, सीधी लाइन की तरीके से यूज करें, तब भी आपका ऑन प्रेपोजिशन यूज होगा। वाराणसी इज ऑन द गंगा लाइन, गंगा रिवर, गंगा रिवर के ऊपर है वाराणसी। द हाउस इज ऑन द मेन रोड, तो मेन रोड के मेंशन कर रहे हैं, तो भी वहां पर आपका ऑन आएगा। नाउ वी कम एट द इन। इन इंडिकेट्स एरिया, एरिया के बारे में, जो कि एरिया ग्राउंड और प्लेस एनक्लोज बाय बाउंड्रीज, जो कि चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ हो, वो एनक्लोज एरिया के लिए आपका इन प्रेपोजिशन यूज होती है। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है जो लिक्विड चीजों का वॉल्यूम होता है, जितना स्पेस वो घेरती है उसके लिए, ये आपका मैथमेटिकल टर्म भी है। और थॉट ऑफ इन टर्म्स ऑफ लेंथ, अब उसको अगर लेंथ के बारे में सोचा जाए, लेंथ के रूप में सोचा जाए, या ब्रेथ के रूप में, या हाइट के बारे में सोचा जाए, तब इन यूज होता है। सबसे पहले इन यूज होता है आपका नेम ऑफ द कंट्रीज के साथ में, जैसे इंडिया, इंग्लैंड, फ्रांस, दिल्ली, मुंबई, अगर फेमस सिटीज है तो उसके साथ में आपका इन यूज होगा। ही लिव्स इन इंडिया, कंट्रीज के लिए हमेशा इन लगाएंगे। शी हैज लिव्ड इन इंग्लैंड, हर सिस्टर हैज ए हाउस इन मुंबई। मेट्रोपोलिटन सिटीज के लिए हम इन लगाते हैं, वेल नोन जो सिटीज हैं उनके लिए आपका इन आएगा, और छोटी टाउन्स के लिए आपका एट आएगा। नाउ इन, इन प्लस रेजिडेंस, हाउसेस के लिए, इन ए बेंगलो, इन ए पैलेस, इन ए फ्लैट। जब आपके हाउसेस के डिफरेंट टाइप्स होंगे, तब आपके इन प्रपोजिशन यूज होंगे। नाउ इन प्रपोजिशन इज ऑल्सो यूज विद द प्लेसेस ऑफ वर्क, जैसे इन अ बैंक, इन अ फैक्ट्री, जहां पर काम करते हैं एम्प्लॉयज, काम करते हैं बहुत सारे। इन ए फर्म, जब ऐसे प्लेसेस की बात होगी तब भी आपका इन प्रपोजिशन यूज होगा। माई नेबर वर्क्स इन अ फैक्ट्री, हिज फादर वर्क्स इन अ बैंक। तो इन प्रपोजिशन हैज बीन यूज्ड हियर। इसके अलावा इन प्रपोजिशन आपकी कहाँ यूज होती है, इन प्लस रूम्स एंड प्लेसेस, जहां रूम भी मेंशन हो, यानी जो आपके जो घर है उसके रूम्स का मेंशन हो या प्लेसेस का मेंशन हो। इन द किचन, इन द रूम, इन द बाथरूम, जिसके साथ में रूम वर्ड लगा हुआ हो वो भी आप समझ सकते हैं, उसके साथ में भी आपको इन लगाना है। शी हैज बीन इन द किचन फॉर हाफ एन आवर, द बॉयज आर इन द रूम। तो इन प्रेपोजिशन हैज बीन यूज्ड हियर। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ पोजिशन। पोजिशन का मतलब होता है स्थान, कौन सी पोजिशन है। प्रेपोजिशन ऑफ पोजिशन शो द रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ये टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन शो करती हैं। दे कैन बी एक्सप्लेन बाय मीन्स ऑफ पिक्चर, पिक्चर्स के द्वारा इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे ये ऐसी प्रपोजिशन है जो आप पिक्चर्स के थ्रू ही पोजिशन आप कर सकते हैं। अबव मीन होता है ऊपर, ओवर मीन भी ऊपर होता है, बिलो मीन नीचे, अंडर मीन्स भी नीचे होता है, अंडर नीथ मीन भी नीचे होता है। लेकिन अब इसमें अलग अलग टाइप के मूवमेंट और पोजिशन है, इसीलिए हम इनको पोजिशन वाली प्रपोजिशन कहते हैं। अबव एंड बिलो मीन दैट वन थिंग इज ए हाइयर, इन अ हाइयर और लोअर पोजिशन देन अदर। अबव का मतलब एक चीज दूसरी चीज की अपेक्षा ऊपर है, ऊंची है, और लोअर का मतलब नीची है, बिलो में नीची। अगर उनकी पोजिशन ऊंची और नीचे है, ऊंची है तो आप अबव कहेंगे, अगर उसकी पोजिशन नीचे है दूसरे की अपेक्षा तो बिलो कहेंगे। ऐसे ही अंडरनीथ, अंडरनीथ ऑफन मीन्स दैट वन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली टचिंग द अदर, यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। वन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली टचिंग द अदर, दूसरे और एक ऑब्जेक्ट दूसरे को टच कर रहा है। इन दिस रिस्पेक्ट इट इज द अपोजिट ऑफ ऑन टॉप ऑफ, जैसे कि किसी टेबल के ऊपर कोई चीज
नीचे रखी हुई है वो उसे टच हो रही है इस तरीके से, अंडर टच करती है वन ऑब्जेक्ट, उसमें एक्चुअली दूसरे ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है, तो उस केस में आपका अंडरनीथ यूज होता है। ओवर एंड अंडर इंडिकेटेड डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप, वर्टिकल का मतलब होता है सीधी स्टैंडिंग लाइन, वर्टिकल रिलेशनशिप और नियरनेस को शो करते हैं। ओवर मीन होता है ऊपर और अंडर का मतलब नीचे, ये भी एक नियरनेस का मतलब होता है नजदीकी को शो करते हैं। अब हम इसे देखते हैं एग्जाम्पल जो कि पिक्चर के थ्रू है, अबव, अबव में इसमें देखिए हाथ ऊपर किए हैं, अबव रेज योर हैंड्स अबव योर हेड, आपके जो हाथ ऊपर हुए हैं वो आपके सिर से ऊपर हैं, टच नहीं हो रहे हैं सिर को, तो ये अबव है। बिलो, फिश वर स्विमिंग बिलो द वाटर, पानी के नीचे है ये बिलो। ऐसे ही अंडरनीथ, अंडरनीथ व्हाट इज अंडरनीथ दैट मैट, यानी कि उस मैट के नीचे क्या है। ओवर, देयर इज ए कैट ओवर द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर कैट है। अंडर, देयर इज ए कैट अंडर द टेबल, टेबल के अंडर है, नीचे है, टच नहीं हो रही है टेबल को लेकिन उसके नीचे है। ऐसे ही बाय एंड बिसाइड, बाय एंड बिसाइड मीन एट द साइड ऑफ, बाय जनरली मीन्स नियर टू, अगर जनरली हो जैसे हमने आगे किया है उसके अंदर बाय में हमने टाइम से रिलेटेड किया है तो उसका मतलब नियर इस टाइम के करीब। बाय जनरली मीन्स नियर टू समबॉडी और समथिंग, और बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, उसके बराबर में, बिसाइड, बिसाइड मीन्स नेक्स्ट टू समबॉडी और समथिंग, किसी चीज के बराबर में। देयर इज ए हाउस बाय द रिवर, इसका मतलब है कि हाउस रिवर के पास में है। द चाइल्ड सेट बिसाइड हिज सिस्टर, वो बच्चा अपनी सिस्टर के बिल्कुल बराबर में बैठा हुआ, जस्ट नेक्स्ट यानी दूसरे स्थान पर। ऐसे ही इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड, द बॉय वॉज इन फ्रंट ऑफ द कार, इन फ्रंट का मतलब होता है सामने, कार के सामने था, इसमें देख सकते हैं आप पिक्चर में, बॉय वॉज इन फ्रंट ऑफ द कार, द गर्ल वॉज बिहाइंड द कार, बिहाइंड का मतलब पीछे। बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन 2% के लिए यूज होता है और अमंग बहुत सारे लोग हैं, मोर देन 2% के लिए यूज होता है। बिटवीन रिलेट्स टू, रिलेट्स एन ऑब्जेक्ट टू टू अदर ऑब्जेक्ट्स, एंड अमंग रिलेट्स टू मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के लिए या थिंग्स के लिए आपका बिटवीन यूज होगा और दो से ज्यादा के लिए आपका अमंग यूज होगा। द हाउस स्टैंड्स बिटवीन टू ट्रीज, दो ट्रीज के बीच में है तो बिटवीन यूज हुआ है, हाउस स्टैंड्स अमंग ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज के बीच में है तो अमंग यूज होगा। ऐसे ही अगेंस्ट है, अगेंस्ट मीन क्लोज टू यानी पास में, टचिंग और स्ट्राइकिंग समथिंग, किसी चीज को टच कर रहा है, अगेंस्ट का मतलब है। द लैडर स्टूड अगेंस्ट द वॉल, यानी वॉल को टच भी हो रही है सीढ़ी, तो अगेंस्ट यूज होगा क्लोजिंग के लिए, क्लोजनेस शो करने के लिए और टचिंग के लिए। दीज वर द प्रपोजिशन ऑफ पोजिशंस। प्रपोजिशन ऑफ मोशन, मोशन का मतलब होता है चाल, एंड डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, तो इनसे रिलेटेड जब आपकी मूवमेंट, मोशन का मतलब यहाँ पर मूवमेंट एंड डायरेक्शन का मतलब इंडिकेट करना कि इसमें किस डायरेक्शन में, तो उससे रिलेटेड प्रपोजिशन आपके कहलाते हैं प्रपोजिशन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन। फ्रॉम और टू, फ्रॉम इज यूज विद द पॉइंट ऑफ डिपार्चर, किसी जगह से, किसी मेन पॉइंट से शुरू हुआ है तो उसके लिए फ्रॉम, और टू इज द एंड पॉइंट, जहां पर डेस्टिनेशन है, जिस जगह पहुंचना है उसके लिए आपका टू यूज होता है। ही वेंट फ्रॉम दिल्ली टू पटना, दिल्ली से चला यानी कि वहां से डिपार्चर हुआ और कहां पहुंचा, पटना में, तो ऐसे केस में आपका मोशन एंड डायरेक्शन के लिए फ्रॉम एंड टू यूज होता है। नाउ ऑफ, ऑफ हैज द मीनिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ एंड आल्सो डाउन फ्रॉम, ऑफ का मतलब ये होता है सेपरेशन के लिए शो होता है आपका, किसी चीज से कोई चीज अलग हो गई उसके लिए ऑफ। ही फेल ऑफ फ्रॉम द हॉर्स, हॉर्स से वो गिर गया, ही फेल ऑफ हिज हॉर्स, हॉर्स से गिरने के लिए, यानी गिरने के मतलब आपका सेपरेशन शो हो रहा है तब आपका ओ डबल एफ ऑफ यूज होगा। नाउ इनटू और आउट ऑफ, इनटू का मतलब होता है अंदर, आउट ऑफ का मतलब बाहर, इनटू मीन्स मूविंग इनसाइड ए प्लेस, एक जगह के अंदर जाने के लिए मूवमेंट के लिए इनटू। सीन एज ए वॉल्यूम,
जिसमें कोई चीज ऐसी हो, जैसे वाटर हो, वाटर में जा रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, मूविंग इन साइड ए प्लेस, तो भी आपका इनटू, जैसे ही जम्प्ड इनटू द वाटर, इसमें मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। और कहाँ हो रहा है मूवमेंट? वॉल्यूम में, यानी वॉल्यूम किस चीज का लिया जाता है? लिक्विड का वॉल्यूम लिया जाता है, तो इनटू यूज होगा। एंड आउट ऑफ मीन्स मूविंग आउटसाइड, और आउट ऑफ मीन्स का मतलब होता है कि उससे बाहर आना। द बॉय रेन इनटू द क्लासरूम, पानी के लिए वॉल्यूम के लिए, और वॉल्यूम यहाँ पर एरिया के लिए भी यूज होता है किसी चीज के लिए। बॉय उस क्लासरूम के एरिया में गया, उसके लिए भी आपका इनटू यूज हो सकता है। जैसे आपका वाटर के लिए मैंने बताया आपका, द बॉय जम्प्ड इनटू द वाटर, या स्विमिंग पूल, इनटू द स्विमिंग पूल, वो आपका किसी भी एरिया या वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है लिक्विड एरिया के लिए, तब आपका इनटू यूज होता है। शी केम आउट ऑफ द रूम, रूम से बाहर आने के लिए आउट ऑफ। नाउ ओवर, ओवर इंडिकेट्स मूवमेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ समथिंग टू द अदर। ओवर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होता है। नाउ वी कम टू द अक्रॉस, अक्रॉस इंडिकेट्स मूवमेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ ए स्पेस, एरिया और लाइन टू द अदर। अक्रॉस में भी मूवमेंट होता है एक जगह से, एक स्पेस से दूसरे एरिया में। लाइक द गॉट वॉक्ड अक्रॉस द रिवर, जैसे कि वो गॉट एक लाइन में एक साइड से दूसरी साइड गई है, तो रिवर के किनारे गई है। रिवर के किनारे तो एक ही साइड हो सकता है सीधा सीधा। ऑन टू, ऑन टू का मीन्स होता है मूविंग टू ए पोजिशन ऑन द सर्फेस, सर्फेस के ऊपर एक जगह की तरफ आपका मूवमेंट। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, कैट ने जम्प किया टेबल की तरफ, तो उसमें ऑन टू। अप एंड डाउन, अप इंडिकेट्स मूवमेंट टू ए हायर पोजिशन समवेयर, ऊपर की तरफ के लिए आपका अपर मूवमेंट के लिए आप यूज होता है। डाउन इंडिकेट्स मूवमेंट फ्रॉम ए हाई पॉइंट टू ए लोअर पॉइंट, हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ जब आप आते हैं मूवमेंट होता है, देन डाउन। द गर्ल रैन अप द स्टेयर्स, आपका मतलब स्टेयर्स के ऊपर कही। द बॉय रैन डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर्स से नीचे आए। थ्रू, थ्रू इंडिकेट्स मूवमेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ एन ओपनिंग और ए पासेस टू द अदर। थ्रू का मतलब यूज होता है, थ्रू आपका यूज होता है, एक मूवमेंट होता है इसमें वन साइड से लेकर दूसरी साइड, रास्ते के लिए यूज होता है। जैसे कि आपने वो देखा है, टनल देखी है। द प्लेस इज सीन एज ए वॉल्यूम, यहाँ पर जो एरिया होता है उसको वॉल्यूम के तरीके से मानते हैं। ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, इसमें मूवमेंट हुआ है उसके अंदर, एक साइड से एक किनारे से दूसरे किनारे, एक तरफ खुला हुआ है और रास्ता है और दूसरी तरफ उसमें जाता है, उसमें से पास आउट होता है, यानी कि गुजरने के लिए, आर पार गुजरने के लिए आपका थ्रू यूज होता है। इस तरीके से आपकी प्रेपोजिशन यूज होती है। लुक एट द डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ दिस प्रेपोजिशंस, अलग अलग मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। मोहन थ्रू ए स्टोन टू मी, मोहन ने मुझे एक स्टोन मेरी तरफ फेंका, ए फ्रेंडली एक्शन है। मोहन थ्रू ए स्टोन, जब हमने एट यूज किया तो इसका मतलब वो मुझे हर्ट करना चाह रहा था। वही प्रपोजिशन हम यूज करते हैं उसी पर्पज के लिए, तो उनके मीनिंग कितने बदल जाते हैं। सीमा रैन टू मी, फ्रेंडली एक्शन है कि वो मेरे पास भाग कर आई कोई भी वजह से या कोई बात करने के लिए। सीमा रैन एट मी, यहां पर इंटेंडिंग टू अटैक। अब हम इसके अलावा ओवर, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, इन प्रपोजिशंस को थोड़ा सा डिटेल में करते हैं ताकि और आपको क्लियर हो जाए। अबव, अबव इज यूज्ड फॉर ए हाईर पोजीशन देन समथिंग, किसी चीज से ऊपर, ज्यादा ऊंची पोजीशन के लिए अबव यूज होता है। सी इन द पिक्चर, ही रेस्ड हिज आर्म्स अबव हिज हेड, उसने अपनी दोनों बाजुओं को अपने सिर से ऊपर किया, ऊंचा किया, आर्म्स को उठाया, इसके लिए अबव यूज हुआ है। ऐसे ही वाटर कैन अबव, अबव का मतलब यहाँ पर हायर देन हिज नीज, वाटर जो है उसके नीज से भी ऊपर हो सकता है। केम अबव हो गया। शी लिव्स इन ए फ्लैट अबव माइन, वो मेरे वाले फ्लैट से ऊपर रहती हैं, ऊपर वाले फ्लैट में रहती हैं। शी लिव्स इन ए फ्लैट अबव माइन, यानी कि हायर पोजीशन के लिए आपका क्या यूज होगा, अबव यूज होगा। अब हम करते हैं ओवर, क्योंकि अबव और ओवर दोनों का मतलब होता है ऊपर के लिए यूज होता है, दैट्स वाई दिस डिफरेंट डिफरेंस यू शुड नो वेरी वेल। ओवर इज यूज फॉर ए पोजीशन हायर देन बट नॉट टचिंग, जिसमें आप टच नहीं कर रहे होते, ऐसी हायर पोजीशन के लिए होता है जिसको आप टच नहीं कर रहे होते हैं। जैसे ए लैम्प हंग ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर लटका हुआ है। She held an umbrella over her, उसने
अपने ऊपर अम्ब्रेला को पकड़ रखा है, लेकिन वो उसको टच नहीं हो रहा है। ऐसे ही इसके अंदर है, द वाटर केम अबव, अबव का मतलब हायर देन हिज नीज, उसके नीज तक आ गया है, लेकिन यहाँ टच हो रहा है। शी लिव्स इन ए फ्लैट अबव माइन, मेरे फ्लैट के ऊपर उसका फ्लैट है, लेकिन वो टच हो रहा है। ऐसे ही रेस्ट हिज आर्म्स अबव हिज हेड, उसके हाथों जो है उसने बाजू ऊपर किए हैं, अबव हिज हेड अपने सिर से ऊपर, लेकिन वो टच हो रही है। लेकिन ओवर में टचिंग नहीं होगी, ए लैम्प हंग ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर लटका हुआ है लेकिन टच नहीं हुआ। शी हेल्ड एन अम्ब्रेला ओवर हर, उसने अम्ब्रेला पकड़ा तो हुआ है, लेकिन जब आप अम्ब्रेला पकड़ते हैं तो अपने आप से टच नहीं कराते हैं सिर से। तो इस तरीके से आपका डिफरेंस होता है अबव एंड ओवर में, क्योंकि दोनों ऊपर के लिए यूज होते हैं। ऐसे ही नाउ वी सी बिलो, बिलो इज यूज फॉर ए लोअर और लेवल और पोजिशन, लोअर लेवल पोजिशन होती है इसमें सबसे नीचे की। यू शुड नॉट राइट बिलो दिस लाइन, इस लाइन से नीचे आपको नहीं लिखना है। इस तरीके से आपका बिलो वर्ड यूज होगा, प्रपोजिशन यूज होगी। फिश वर स्विमिंग बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर के सरफेस से नीचे, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस का जो वाटर है उसके नीचे फिशेस स्विम कर रही थी। ऐसे ही अंडर, अंडर इज यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग, समवन और समथिंग इज डायरेक्टली बिलो समथिंग, किसी चीज के नीचे होने के लिए डायरेक्टली, बिल्कुल सीधा। द कैट वॉज अंडर द टेबल, शी लुक्ड अंडर द बेड, ही स्टूड अंडर द टेंट। इस तरीके से आपका यहाँ पर अंडर यूज होगा, जबकि बिलो में टच हो रहा है। ऐसे ही इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ इज यूज फॉर ए पोजिशन फॉरवर्ड देन, आगे की पोजिशन के लिए होता है, बट क्लोज टू समबडी, किसी चीज के पास में हो, किसी पर्सन के पास में हो। द कार वॉज इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने थी कार। ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने खड़ा है। द बस स्टॉप्स इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, हमारे घर के सामने बस स्टॉप है।